It is used for footer, for giving like copyright information, author name. तो ये सब इनफॉरमेशन पास करिया पे मो फुटर रेट डिफाइन कराबा. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फुटर फॉर ए वेब पेज, फॉर ए सेक्शन ऑफ द वेब पेज. द फुटर जनरली कंटेन द इनफॉरमेशन सच एज ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉपीराइट इनफॉरमेशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, एंड द लिंक टू द रिलेटेड डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन द फुटर. ओके बुझेला? आज्ञा सर. देन फुटर रे ओटे एग्जांपल एठे म करू छी देखियो एठे एचटीएमएल footer गोटे रहा अथर्स एच टी एम एल फाइव डाटा तो आम टेबुल पकई तले भी आनीपर बुझे जेहतु ये किसी कंटेन्ट ना तो से देखे टे मॉडिफाई करदे फुटर फुटर इनफर्मेशन जमी तले देखनी हमें जो लिखुचे एटा ए जो तळे जो स्क्रीन टा देखौ छी देखो फॉर हेल्प प्रेस 1 2 कॉलम 3 एटा होची फुटर इन्फॉर्मेशन बुझियो छी एटा टिके ऊपर देख हमरा कंटेंट टा नाही बोली एटा ऊपर देखौ छी अच्छा न होले हां हेडिंग तळ को आसन न
వెబ్సైట్ తెలియదు. বডি তো লেখা টিকে তলকু আসলে দাদা আমি কন্টেন্ট লিখিলে তলকু এগেন পড়ে আসব হলো এটা আমার নেক্সট হচ্ছে navigation tag. The navigation tag enable you to group the related link by using a tag. मतलब किसी related link को group करिया पाएं. I mean navigation tag use करिवा. In such a way that look more semantic and structure. All major navigation link are generally grouped into inside the navigation block tag. Navigation tag is used to declare the navigation section in a web page that link to the other page or part of the web page. Okay, so AHREF MID pass kariwa. Ame jaha jaha sabu related link achi gote jagara ame place koruchu. So if you want to place the related link into one page, then navigational tag is used. देखिए नहीं हो जी मोटे रिलेटेड लिंक एठी नबा हा बोलू छु इचु खरा खेज मसा रे এটা হল নাভিগেশন লিঙ্ক মানে আমি রিলেটেড লিঙ্ক কু গোটে জায়গায় আমি রাখিলে এবে আমি দেখি না রিলেটেড লিঙ্ক সব গোটে জায়গায় সব আমি আছে বুঝলা
বুঝবেন নেভিগেশন লিংক কা কাম আগে মানে যেটা নয়া পেজ বনাইব তুমি তোমার পাথ দাও এটি আও যদি পাথ দিয়াইনি এইচআর এ তুমি যে লিংক দাও এইচটিএমএল পেজ বনাইব তার লিংকটা এটি পাস করা হবে Then figure tag is used to specify the self content such as images, diagram, photo, code, associated caption. যদি গোটে figure আমি লিখিবা album গোটে রোজি, যেমন কি রোজি আমরা WhatsApp গোটে রোজি, মানে album type যদি আমাকে বানাইবার আছে, so that is you can include in a figure tag. মানে related picture গোটা কো, আমি গোটে জায়গায় রাখিবা. তাদের আমি figure caption দেই পারিবা, যেমন কি রিলা figure tag, figure caption হলা deluxe room. आउ इमेज हला रूम जेपीजी जेमते कि हमर फिगर रा किछ ना दबा को चाहू छे तटा में फिगर टैग भीतर एटा प्लेस करिवा बुझियो छे आज्ञा कि दबतर टैग कोटा दियो कोटा कोटा टैग कोन दियो छ माने फिगर टैग रे एग्जैक्टली मुच पाना माने एटा टैग तमे को हास तो नाटा लिखिले भी तो द फिगर पर एटा टैग को आजु स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग हम को भाउ जो हैशटैग है ना हैशटैग नो हम को सही टाइप पे रिलेट करते थे फिगर टैग जरा सेटा से सोशल मीडिया हैशटैग टा कोन पे यूज करा जाए जान छो पेपर माने टैग टैग तो टैग हो कौन पे हां खाली नहीं खाली हैशटैग मार दे कहां हो की कोई पर हैशटैग व्हाट इज द वर्क ऑफ हैशटैग इन फेसबुक एंड सोशल मीडिया कौन पे हैशटैग का यूज करे अन गोटे जन सब को रिफ्लेक्ट करे है हैं जते बेले हमें अरे जोटा को मेंशन कर एटा को रिफ्लेक्ट करे है से जन सडा यूज है ना तुम जितेबाला देखियो आमर गोटे धर मोबाइल सर्च करुच किसी मोबाइल फोन न कंपनी से फास्ट पेज रे शो करे देखियो फ्लिपकार्ट आग आसीबो तापर जे अमेज़न आसीबो तापर सब डिफरेंट मोबाइल कंपनी वेबसाइट गुडा आसे सो आमे जितेबाला मोबाइल सर्च करुचे मोबाइल इज अ हैशटैग माने इट इज अ कीवर्ड से कीवर्ड ता जदे आमे पास करुचे ऑटोमेटिक से कीवर्डटा जहा जा जो जो पेज सहित रिलेटेड थिवो से पेज रे इन्फॉर्मेशन शो करिवो सपोज आमे यूज करिवा हैशटैग कोविड तो कोविड रिलेटेड जहा भी पोस्ट सब मराई थिवो फेसबुक रे से जे जतरा सर्च करिवो कोविड विषय रे मे भी तमो पोस्टटा भी से देखि परिवो बुझे हो सेते पे आमे से जो कीवर्ड जनरेट पई हैशटैगटा यूज करा जाय बुझेला वे हैशटैग निर्भया गोटे मरा इतरा केते पोस्ट ता सेई ता माने हैशटैग गोटे वर्ड पुरपुर यूज करले से वर्ड ता जेते लोग यूज करथवे सब शो करियो माने घोसेडी यानी के सब रिलेट करे दो देख दिस अपन मो सर्च करबे ऑनलाइन ट्रेनिंग त निहाते मो द्वारा मोर पेज रे किछ ऑनलाइन ट्रेनिंग उपरे किछ पोस्ट करथिबे ए हैशटैग पाइथन हैशटैग जावा त रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से सर्च करबा आ जदी मो पेज ता को मल्टीपल को विजिट करू जोंदी देन मो पेजटा आगू को रैंक आगू को आसीबो जो कहते पेज लाइक करवा सब्सक्राइब करवा दैट मीन्स व्हाट तो यू आर गिविंग ए रैंकिंग माने जत्ते सब्सक्राइबर बढ़ो जत्ते लाइक हम सो दैट मीन्स इट इज इक्वलाइज टू द अदर पर्सन बुझेला मो पेज लाइक कर छ कि तो करना इन्फॉर्मेशन इट इज अ गुड वे
लाइक टू रिप्रेजेंट एनीथिंग ओके सो पिला माने भी जो वी आर सर्चिंग फॉर ए जॉब बट निजे निजे ब्लॉग्स भी तुम लिखी पार ओके ब्लॉग्स ब्लॉग्स कीवर्ड हाउ टू राइट द ब्लॉग सपोज गोटे रिलेटेड टॉपिक ऊपर तुम बेस रिसर्च करो तुम जो फेवरेट एरिया फांगेल अच्छे तुम तापर किसी लिखी पार एज अ राइटर तुम से लिख जो ये से रिलेटेड लोक बेस सर्च करमें कह जन को तुम अधिक सर्च कर फर द पर्टिकुला थाउजेंड्स ये सब पड़ा दैट तुम पेज्रे सी तुमको कंटाक्ट कर आडभटाइजिंग कंपनी तुमको कंटाक्ट कर दैट दे वांट टू विजुअलाइज द आडभटाइजमेंट अन् योर ब्लॉग्स और अन् योर पेज तो से समय कौन हम ना यू आर गेटिंग ए मनी एंड मोबाइल विषय देढ़ लक्ष चिंता कर गूगल पेमेंट कर खाली जॉब पक्ष मुंड बढ़े कौन हम बुझे जॉब पसरे गोड़ेबो माई धरिक बसिबो जुब्रा पार्क रे बुझी बुझी सर बोल पे रिजल्ट पाइछ दिया अच्छा आइ जो लिखाई ने आई लव कटक सेटा गोड़े बढ़िया जगह नहीं ने तपस्या करियो गोड़े पिंडी होय आइ जी सेई बसे की जपमाला धरियो सेति पई रॉयल त सेठी त 12 वर्ष 14 वर्ष पढेला सेटा त भल जगह हां सेतिपे निजे सब ब्लॉग्स लिख एंड एक्टिव इन द सोशल मीडिया देखिबो सोशल मीडिया दैट ओनली वी आर यूजिंग फॉर व्हाट मु ए जो वेबसाइट डेवलपमेंट सिखौ जे यू डोंट टेक एज अ कोर्स इट इज गिविंग यू द मनी आल्सो ओके यादरे बहुत पैसा भी तमे इनकम करि परिबो ओके सो बाय गिविंग द ब्लॉग्स गिविंग टैग गिविंग कीवर्ड किछ ना किछ कोटेशन माने तमे जो रिलेटेड कोटेशन किछ ना तमे जदी रिलेटेड कोटेशन गुडा को गोटे ब्लॉग रे पकेव तो जी धर कोटेशन रा सर्च हे चाहू जी तमर ब्लॉग भीतर जदि सब अवेलेबल थिवो सो ही इज माने तम ब्लॉग टा बेसी लाइक करिव एंड शेयर करिव से लोक एंड प्रेफर करिव तो एमती विजिटर्स जदि जत्ते अधिक आबे देन यू आर गेटिंग ए मनी बुझियो छ एक टाइप रो सब करिव जेंती सब करनते ने हमरा जो टिकटॉक स्नैपटॉक सब होने जो अधिका ये करे पे तो सही टाइप रो एटा रो किंतु इट इज अ यूट्यूबर भी माने भी तो सेंती जत्ते ह्यूज सेते ते हिसाब रे तांकर पेमेंट आउस छे हां यूट्यूबर मानन कर भी हां हां आई कैन से जे बने आसी को माने एनीथिंग माने डिशेस सारे को गोटे गोटे सबु प्लेस विषय जाना नहीं सपोज तुम जो जगह रोच ना तुम जगह जाजपुर एरिया जाजपुर रोच तो जाजपुर डिफरेंट जो अच्छी मैंने भल प्लेस अच्छी सो मु भी जान नथिबी जो भल प्लेस कोडी अच्छे नॉर्मली लोक माने से जान थिबे जो हमर चंडीखोल पकरे महाविनायक आगो अच्छी माने चंडीखोल ला महाविनायक मंदिर समा तापरे बिरजा मंदिर हां से गोटे दिटा जिंस जान जंदे हला से आउरे बहुत जिंस अच्छे जोटा के हम जान नथिबा तो ताकु हम प्रमोट करियो जो देखिबो पॉपुलर प्लेस इन जाजपुर तुम ब्लॉग रे जदि बेसी इनफॉरमेशन थिवो तुम पेज को समस्या सर्च करी तो थाउजेंड्स लोक सर्च करचोंदे वेस्ट बंगाल सर्च करचोंदे जने पिकनिक पे आसे चाहचोंदे से माने सर्च करचोंदे सो दे चूज योर ब्लॉग से ब्लॉग्स तुम डिस्क्रिप्शन लिखिवो किसी फोटो रखिवो तो ऑटोमेटिक सेटा तुमरा हाईलाइट होबो बेसी जिंस तो बेसी सब्सक्राइबर हेले देखिवे जे तुमरो इनफॉरमेशन टा इज अ गुड इनफॉरमेशन एंड पीपल आर लाइकिंग इट and basis search korchundi then google at certain period of time you receive the money paisa paiji bujhi hoji I guess it's a bahut long process time lagibo
ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଏ ରୋମିଓ ଯେ ତମେ କରିପାରିବ ତମେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛ ନା ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ସୋ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ବ୍ଲଗର ଓକେ ସୋ ବାଇ ମାନେ ଫର୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଏନିବଡି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ତମେ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଖିକି ତମେ ଯୋଉ ଯେତେ ପ୍ଲେସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଓକେ ଆଉ ତମେ ତା ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ରୋମିଓ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଇକ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 28 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଫୁମ୍ବାଇ ବି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସ ଓକେ ଯାହାର ବୁଲିବାର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୋମିଓ ଜି ଓକେ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ବାଇକ୍ ସେ ପଳେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ନା ସେଇଟା ପ୍ୟାସନ୍ ଥାଏ ହଁ ବାଇକିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହବି ପ୍ୟାସନ୍ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛି 300 କିଲୋମିଟର 300-400 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଯାଉଛୁ କେମିତି ଓକେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ସେ 100 କିଲୋମିଟର ରାଇଡ୍ କରିବ ମାନେ ବାଇ ସାଇକେଲ ଓକେ ଓକେ ସୋ ଫିଗର ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାଣିହେଲା କଣଟା ଫିଗର ଗୋଟେ ଫିଗର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛି Amazon mobile search করে তো Amazon fast second আসছে Flipkart কারণ না স্যার Amazon এর রেটিং টা অধিক Flipkart তো রিজন সেই হইতো না কেমতে রেটিং হলা কত দিন লাগিলা তাকো বুঝি পারছো তো আসে না ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବ ତମ ପେଜ୍ରେ ସେଟା ହବ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉଦିନ ରହିଯିବ ଜାଣିବ ତମେ ବହୁତ ରାଙ୍କ ପଛକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି କିଛି ବି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ଟୁଡେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ମୋମୋ ତା ଦେହରେ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କହିବ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ଫୁଲଟା ରଖିବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋଟେ ରଖିଲି ପାଥଟା କପି କରୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବି ତାକୁ
फिगर रहला Sarsi, then how do we have ALT? LT powers IT equals to 100 And here it can give click caption Power collection pick caption. Let me save code there. Sir, मुझे तो ये सब आरा सब करे ली आरा practical करेगी मते काली पढ़े हो तो personal WhatsApp पे करके ता फोटो फोटो उठे मैंने पठे कोडिंग मते दबो नी आ गया कौन दे ना फिगर कैप्शन है ना फ्लावर कलेक्शन जो एल्बम फल्बम बनेगा ये सब हमें करी पड़ेगा बुझे ना आई कैन सर
Okay, so this is end of your chapter one. Then creating the web page. Okay, so working with styles, how to add the styles on your web page. The look and feel of the web page depend upon the appearance and arrangement of HTML element. माने HTML element को हमें को वे रे arrange करी चे, ताको based करी के हमारा इडा काम करी हुआ. The appearance of the HTML element on it, you can format the HTML element in your web page to make it look appealing. In addition, when you create a website, you have to give a particular layout. What a layout amku dawa padiwa. The CSS is a collection of style that allow you to change the appearance of the HTML element on the web page. It can be used to define the set of formatting option that can be used to format a text. HTML element, it defines the set of standard rules that provide a better control over the page layout and appearance. Okay, so page layout and appearance pai amati CSS use kariba. CSS can be applied to a specific element. Ame gote element ta ko ame style kari pariba, total page ko kari pariba, nole total website ko bhi ame kari pariba. So CSS can be applied to the any of the pages. Man, I mean, gotte page pain kari pariba, multiple I mean page pain kari pariba, and total website pain bhi ame kari pariba. So CSS is a collection of style that allow you to change the appearance of the HTML element on a page. It can be used to define the formatting option that can be used to format a text of HTML element. Bujhela CSS kaam kaam. CSS full form is cascading style sheet. By using cascading style sheet, you can design your web page. So you design your web page, either you have to design for a single tag, you can design the total web page, or you can design the total website. So that is called as a CSS. Clear? I guess so. ओके बेटा एथिक थाओ नेक्स्ट क्लास रे हम फुनी एटा देखिबा. ओके नेक्स्ट टाइम सीएसएस रा टाइप्स देखिबा आ सीएसएस टा केमते डिक्लेअर हबो सेटा देखिबा. ओके ओके थैंक यू सर. चलो.